हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, जहाँ पे मैंने नया घर लिया है, तो आज आप लोगों को वो भी दिखाना है। तो जब से मैं नॉर्थ कैरोलिना आया था, जब से मैंने एक बार भी ग्रोसरी की शॉपिंग नहीं की है, तो अभी मेरी सारी ग्रोसरी खत्म हो गई है। तो बस ग्रोसरी स्टोर पे चलते हैं और फिर उसके बाद वापस आने के बाद आप लोगों को मैं अपना घर दिखाऊंगा जो मैंने यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में लिया है। इंडिया के अंदर सही है यार, ग्रोसरी वगैरह सब बिल्कुल पास में ही मिल जाती है। जैसे मैं दिल्ली में रहता था तो मेरी गली में ही सब बेचने आते थे सब्जियां वगैरह, और गली के अंदर इतनी सारी दुकानें खुली हुई थी कि कहीं जाना नहीं पड़ता था। यहाँ पे तो काफी ज्यादा लंबी ड्राइव करनी पड़ती है। और एक और गुड न्यूज देनी थी आप लोगों को, वो है ये फेरी। तो मैंने फेरी की जो है टिकट बुक कर दी है, ये $15 की टिकट है। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं ओकरा कोक जा रहा हूँ, तो मैंने 6 जनवरी की मैंने बुक की है। आज है यहाँ पे 3 जनवरी, तो 2 दिन बाद है जो हम लोग फेरी में जाएंगे। तो ये सुबह सुबह मुझे जाना है, मतलब 9:30 पे मुझे वहाँ पे होना चाहिए, और 10 बजे जो है फेरी है ओकरा कोक आइलैंड के लिए जाएगी। और मेरा बहुत ही फेवरेट आइलैंड है, क्योंकि वहाँ पे है ना जो पायरेट्स होते थे वो छुपते थे। तो $15 की टिकट है गाड़ी की, अगर आप लोगों में से कभी भी कोई नॉर्थ कैरोलिना आए तो ये जरूर करना। तो ये है फूड लॉयन जिसमें मैं शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ का एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है, जैसे वॉलमार्ट है ना, तो वॉलमार्ट तो बहुत बड़ा है, बट ये सिर्फ ग्रोसरी के लिए ही है। तो यहाँ पर मैं लेने आया हूँ कुछ फ्रूट्स वगैरह, तो देखते हैं। मैं गाला एप्पल खाता हूँ, मेरे को गाला एप्पल अच्छा लगता है। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के एप्पल हैं, तो ये रहा रॉयल गाला, तो ये मेरा फेवरेट एप्पल है। ये बहुत जूसी सा होता है और बहुत मीठा होता है, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मैं तो हमेशा सब्जियां और फल वगैरह वैसे ही छाटता हूँ जैसे इंडिया में छाटते थे, मम्मी से सीखा था मैंने। तो मैं एकदम से नहीं लेता, मैं बिल्कुल देख देख के लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं सोचा हूँ 3-4 गाला एप्पल ले लेते हैं, ट्रैवल के लिए भी जाना है तो काम आएंगे ये रास्ते में खाने के लिए। इतने अच्छे नहीं है इस बार, नहीं तो गाला एप्पल थोड़े से लाल होते हैं, बट ये भी ठीक है, हम जैसे भी हैं। तो ये ले लिए हैं गाला एप्पल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मिल रही है, इसको हम लोग दिल्ली में ना अमरक बोलते थे, इसको यहाँ पे स्टार फ्रूट बोलते हैं, और ये बहुत ही खट्टा होता था। आप लोगों को अगर याद है तो बताना, इसको ऐसे बीच में से काट वगैरह के शकरकंदी के साथ देते थे, वो नमक वगैरह लगा के एकदम से। तो यहाँ पर देख लो प्याज है, जो कि 1 पाउंड का जो प्याज है, मतलब आधा किलो से भी कम, $1.5 का मिल रहा है। और ये प्याज देख लो यार, इतना बड़ा है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो यही फेंक के मारो, बंदा वैसे ही मर जाएगा। नहीं, और इस तरफ में ना सब चिकन लगा हुआ है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग चिकन खाते हैं नहीं खाते। जब मैं इंडिया के अंदर था तो मैं खाता नहीं था चिकन, बट आजकल मैं खा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना ऑप्शन नहीं होता है। तो मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी थी, आप लोग प्लीज़ इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना कि जैसे अभी मैं ट्रैवल करूँगा ना, तो उसमें मैं सोचा था कि जो मैं खाना वगैरह बनाता हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो मैं मोस्टली ना चिकन भी बना लेता हूँ और फिश वगैरह भी बना लेता हूँ, सी फूड। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि हाँ भाई चिकन वगैरह और नॉन वेज दिखाओ अपनी वीडियो में कि आप कैसे बनाते हो, तब मैं इंक्लूड करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बिना पूछे आप लोगों से और आप लोगों को नॉन वेज वाली मैं ऐसी कोई वीडियो वगैरह बना के दिखाऊँ। तो प्लीज़ कमेंट जरूर लिखना इसका, क्या मैं चिकन वगैरह जो मैं खाता हूँ वो दिखाऊं, क्योंकि उसी से ये ना मैं रियलिटी दिखा सकता हूँ। नहीं तो हमेशा वेजिटेरियन खाना मैं हमेशा खाता नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा कि मैं किस तरीके का खाना खाता हूँ। तो यहाँ पर है, यहाँ पे है ब्रेड, जो मैं ब्रेड खाता हूँ ये वाली, और ये $3.20 के आसपास में मिलती है, तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। इंडिया के अंदर तो ब्रेड बहुत सस्ती है, बट यहाँ पे अमेरिका में सस्ती ब्रेड भी मिलती है, बट मेरे को ये अच्छी लगती है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो January 15 तक है। तो मेरे को अब चाहिए जूस, मेरे को ऑरेंज जूस चाहिए, तो वो लेते हैं। तो अब बस मुझे मेरी एक चीज़ नहीं मिल रही, वो है दही। तो दही मिलते ही हम लोग चलते हैं। तो फाइनली मिल गई है, यहाँ पर है जो दही है, और ये दही का जो प्राइस है 249 की है ये दही। तो दही है इस तरीके के डब्बों से आती है, बट ये डब्बा यार ऊपर से टूटा हुआ है, तो मैं सही सही डब्बा लेता हूँ। ये डब्बा सही लग रहा है मुझे,
एक पैकेट मुझे दही चाहिए था, तो दही मिल गया। Good, how are you doing? I'm good, thank you. Welcome. Oh, do you have an MVP call? Yes, ma'am. Alrighty. 22:28. थैंक यू सो मच मैम। बसंती की एक अच्छी चीज़ है, दूर से ही नज़र आ जाती है। तो मैं पहुंच गया हूं मेरे घर के बाहर। बट घर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जो घर है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो घर है मैंने पिछले साल लिया था यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में। लेने का रीज़न ये था कि जो मेरे दोस्त रहते हैं उन्हीं का ही कोई फ्रेंड था जो बिल्कुल उनके घर के पास में है, तो वो बेच रहे थे। 2 एकड़ लैंड है और घर है, तो मैंने पूरा मतलब लैंड के साथ में घर ले लिया है। और इस घर के अंदर मैं बहुत सारी चेंजेस करा रहा था। एक्चुअली मैं एक और बेडरूम ऐड करा रहा था इसमें और एक बाथरूम, जो कि नया बिल्कुल नए सिरे से वो लोग बना रहे थे। बट आप लोगों को पता है मेरे को इंडिया जाना पड़ा था, तो उस वजह से काम सब रुक गया था। क्योंकि मटेरियल वगैरह सब चीज़ें मैं उनको बताता था कि मेरे को किस तरीके की कौन सी चीज़ें लगवानी है अंदर, तो उस टाइम काम रुक गया था जब मैं इंडिया गया था। बट अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ कैरोलिना में आया हूँ कि ये जो घर है इसका काम दोबारा चालू करवाने के लिए। यार मक्खी घुस गई है अंदर पता नहीं कहाँ से। और ये घर मैं इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखा रहा था अभी तक क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं सोचा जब पूरा कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगा। बट अभी काफी सारे कमेंट आ रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि भाई घर तो दिखाओ, आपने बोला है घर खरीदा है। बट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था कि मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जब पूरा खत्म हो जाएगा जब दिखाऊंगा। बट कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को घर दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद तब भी दिखाऊंगा जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अंदर। तो पहले मैं आप लोगों को पिछले साल की क्लिप दिखा रहा हूँ जब मेरा मकान बनना यहाँ पे चालू हुआ था। तो जो मैंने मकान खरीदा है ना उसी के साथ में ये मैं बनवा रहा हूँ, उसी के साथ अटैच है ये। तो इसमें मैं एक बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम और क्लोजेट बनवा रहा हूँ मैं। तो अमेरिका में देखो इस तरीके से पूरे लकड़ियों के मकान बनते हैं, ज़मीन से लेके ऊपर तक पूरा लकड़ी का है। ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था कि जो इस तरीके से मेरे को देखने को मिला। तो अभी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर से कितना कंप्लीट हो चुका है। और जब ये पूरा बनेगा तो आप लोगों को मैं पूरा जो है दोनों जो मैंने घर खरीदा था और ये जो बना है पूरा मैं आप लोगों को टूर दूंगा। तो ये है जो घर है, अभी आपको बाहर से मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि बाहर से अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक तो कमरा ये है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरा फेवरेट रूम है जो मैंने अभी नया बनवाया है। और इसको बनाने का रीज़न ये था कि मैंने यहाँ पे ना बहुत सारी विंडो लगाई हैं, 4 विंडो है। और इन विंडो में से जो बाहर का नज़ारा दिखता है ना, अगर आप लोगों को वो दिख रहा है सामने, तो पूरा आप लोगों को ऐसे आएगा जैसे आप किसी रिजॉर्ट में रुके हुए हैं और पूरी वुड्स का जो है नज़ारा आएगा। इस रूम के अंदर फ्लोरिंग का काम हो चुका है। एक और बेडरूम है जो वो अभी दिखा नहीं रहा, उसके अंदर बहुत सारा काम होना है। बट इसके अंदर फ्लोरिंग का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है। बस ये लाइटें वगैरह लगनी है, बेड वगैरह बिछना है, तो ये जल्दी रेडी हो जाएगा। इसके साथ में बाथरूम है जो बिल्कुल रेडी नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी मूव नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। आप लोगों को दिखा देता हूँ बाथरूम। बाथरूम है, इसमें बहुत ज़्यादा काम अभी बचा हुआ है। वो कहते कम से कम इसमें 20 से 25 दिन लगेंगे बाथरूम को कंप्लीट करने में। एक्चुअली आज ही मेरी बात हुई है। तो ये है बाथरूम,
और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो है वैनिटी बाथरूम की, और वो कोने में रखा हुआ है टॉयलेट, तो ये यहाँ पे इधर दीवार पे लगेगा ये सब चीजें। तो ये तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, तो थोड़ा बहुत ही बचा है। और ये यहाँ पे बाथरूम के अंदर भी यहाँ पे मैंने एक विंडो लगवाई है और एक ऊपर, तो यहाँ से नीचे होगा शावर जो कि रोशनी आएगी और इस विंडो से आप बाहर देख सकते हैं। तो ये तो बाथरूम था, और बाथरूम के साथ में ही मैंने क्लोजेट बनवाया है, और ये जो क्लोजेट है इसकी जो हाइट है वो 12 फीट तक जा रही है ऊपर। तो और ये जो देख रहे हो आप, ये है लिविंग रूम। तो लिविंग रूम में भी मैंने बहुत सारी विंडो लगाई हुई है, और एक ये फ्रेंच डोर लगाया हुआ है, और इसके ऊपर काफी ज्यादा काम हो चुका है। ये इसका सीलिंग का काम है, तो सीलिंग में मैंने पूरा वुड लगाया है, क्योंकि जो बाहर है अगर आप बाहर का नज़ारा देखोगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा फील होगा कि जैसे आप माउंटेन में रुके हुए हैं। थोड़ा सा ऐसा मैं लुक देने की कोशिश कर रहा था। तो ये था छोटा सा घर, और ये जो घर था मैंने अभी आप लोगों को पूरा नहीं दिखाया, मुझे पता है किचन रह गया है और दूसरा रूम रह गया है, दूसरा बाथरूम रह गया है, बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं दिखाई, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी 3-4 महीने लगेंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर टूर दूंगा बाहर से लेके अंदर तक का। अभी सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया था, काफी लोग बोल रहे थे कि आपने घर लिया है अभी तक आपने कुछ भी नहीं दिखाया, तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरीके से मैं चीजें बनवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, बाकी प्रॉपर इसकी वीडियो आएगी। बहुत अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल यहाँ से समुंदर वगैरह बिल्कुल पास में है, तो बीच वगैरह काफी अच्छी है यहाँ पे। और मेरे दोस्त के फ्रेंड बेच रहे थे जिनको अर्जेंटली बेचना था, तो मेरे को काफी अच्छी डील भी मिल गई थी इसके ऊपर। 2 एकड़ की लैंड है पूरी, तो काफी बड़ा ही मेरे को लैंड मिल रही थी, मैं उससे चलो थोड़ा ले लेते हैं। और यहाँ पे मतलब अभी तो फिलहाल मैं इसको एज ए मतलब जब भी छुट्टियां वगैरह होंगी तो छुट्टियां मनाने के लिए आऊंगा, बट इन फ्यूचर लगता है कि यहाँ पे अगर मूव करना है तो यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। और काफी ज्यादा लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो मेरा कैलिफोर्निया और मैक्सिको का जो ट्रिप है वो कब से चालू होगा, तो वो जो ट्रिप है 7 से 8 दिन में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले जो मैंने आप लोग को दिखाया मैं ओकराकोक आइलैंड पे जा रहा हूँ, तो वहीं पे मेरे को 3-4 दिन लग जाएंगे पूरा जो ट्रिप करके वापिस आने की। और मैं यहाँ पे वेट इसलिए कर रहा हूँ, अभी फिलहाल जो ये घर है ना इसके जो रेनोवेशन के लिए जो बंदे हैं उन सबसे बात कर रहा हूँ, तो जब उनसे सबसे बात हो जाएगी तब मैं यहाँ से निकलूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।